वेलकम फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है गोवा में स्कूटी बाइक या कार कहाँ से लें और कैसे लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप गोवा घूमने आओगे तो मडगांव ही आओगे या फ्लाइट से आओगे तो पंजिम आओगे। तो फ्रेंड्स, आप मडगांव आ गए, अब आपको गोवा घूमने के लिए मडगांव से बाइक, स्कूटी या कार रेंट में लेनी पड़ेगी, तो आपको वहाँ बहुत कॉस्टली मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा करिएगा कि आप मडगांव से बाई बस पंजिम आ जाइए। फ्रेंड्स, आपको पंजिम में भी स्कूटी, बाइक या कार रेंट में मिल सकती है, लेकिन वहाँ भी पब्लिक ज़्यादा आती है, पब्लिक ज़्यादा रहती है बाइक, स्कूटी या कार को रेंट में लेने के लिए, तो वहाँ भी इनका चार्ज बहुत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक अच्छा सजेशन बताती हूँ, आप पंजिम से बाई बस मफूसा जाइए, जो कि पंजिम से 15 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ आप बस स्टैंड पे आ जाओगे तो यहाँ पास आपको स्कूटी, बाइक एंड कार बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाएगा। और मफूसा में आप स्कूटी 300, बाइक 350 और कार 1500 रुपये में दिन के हिसाब से ले सकते हो। इससे सस्ता आपको पूरे गोवा में कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ से बीच कितनी दूरी पर है, मैंने इसका एक अलग से वीडियो बनाकर रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको गोवा के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, वही जो बातें मैं बार बार बोलती हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर।